समय में युवा पीढ़ी के हर एक, अगर देखेंगे शिक्षा जगत के हर एक युवाओं को, युवा छात्रा को, तो वो हमेशा यही कोशिश करते हैं छात्र छात्रा कि ज़्यादातर उन्हें अगर सरकारी नौकरी मिल जाए तो बहुत आराम की ज़िंदगी जिए। सच भी है, और इसीलिए सरकारी नौकरी पाना, प्राइवेट जॉब के मुताबिक गवर्नमेंट जॉब पाना आसान नहीं है। हम आपको आज हमारे इस खास रिपोर्ट में बताएंगे 10 सबसे बड़े वेतन वाली सरकारी नौकरियों के बारे में। जी हाँ, हम आपको बताना चाहेंगे यहाँ पर कुछ ऐसी बातें सरकारी नौकरियों के बारे में जिसके बारे में जानना आपके लिए ज़रूरी है, खासकर युवाओं के लिए। अगर आप गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो स्कूल के समय से ही आपको उसके लिए प्रिपेयर रहने की ज़रूरत है, और इसके लिए हम आपको बताएंगे आगे आने वाले समय में आपका फ्यूचर ब्राइट है अगर आप गवर्नमेंट जॉब में इन 10 सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पेड सैलरी वाले जॉब के लिए प्रिपरेशन करते हैं। जी हाँ, हम आपको बताना चाहेंगे पहले नंबर पर है इंडियन सिविल सर्विस। जी हाँ, इंडियन सिविल सर्विस में आपको बहुत सारी नौकरियां मिलेंगी, और इसकी महीने की ही तकरीबन अगर देखा जाए तो 1-2 हज़ार नहीं बल्कि देखा जाए तो 2 लाख रुपए सैलरी होती है ये कहा जाता है, स्टार्टिंग ही इतनी ज़्यादा है। और इंडियन सिविल सर्विस जैसे कि IAS, IPS और IFS इसी में शामिल है। देश का सबसे बड़ा योगदान इंडियन सिविल सर्विस को दिया जाता है अलग तरीके से जिम्मेदारियों के लिए, और सारे सिविल सर्विस के लिए एग्ज़ाम देने होते हैं और काफ़ी कड़ी मेहनत करनी पड़ती हैं, बहुत परीक्षाएं होती हैं और बहुत मुश्किल परीक्षाएं होती हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा गौरव वाले इस जॉब को हमेशा ही देखा गया है सम्मान के साथ। बताना चाहेंगे हम आपको इंडियन सिविल सर्विस में काम करने वाले कर्मचारियों को घर, गाड़ी, ड्राइवर, बिजली ऐसे अलग अलग सुविधा भी मिलते हैं, वो भी सरकार की तरफ से, तो क्यों ना कोई ऐसी जॉब करना चाहेगा। और विदेशों में पढ़ाई करने के लिए छुट्टी भी मिलती है अगर आप इस जॉब की प्रिपरेशंस करते हैं तो, आपको ये जॉब लगती है तो शानदार आपकी ज़िंदगी होगी, इसमें कोई शक नहीं है। अब दूसरी की तरफ बढ़ते हैं, दूसरे नंबर पर है डिफेंस सर्विसेज। डिफेंस सर्विसेज के बारे में अगर बात की जाए तो डिफेंस सर्विस में आर्मी, नेवी, एयरफोर्स ये सभी शामिल होते हैं, और इसे भी बहुत सम्माननीय कार्य माना जाता है हमारे देश में ही नहीं पूरी दुनिया भर में। जिसे लेकर हम आपको बताना चाहेंगे, हमें देश के शत्रु से बचाने वाले इस जॉब के लिए हमेशा ही तारीफें मिलती हैं। इस कार्य के बारे में अगर बात की जाए तो डिफेंस सर्विस के लिए अलग अलग परीक्षाएं होती हैं, आपने सुना होगा, जाना होगा इसके बारे में, NDA, CDS, FCAT और कई ऐसे एग्ज़ाम हैं जिसमें सक्सेस पाने के बाद, एग्ज़ाम में पास होने के बाद आपको डिफेंस सर्विस में जॉब करने का मौका मिलता है। और इसकी अगर बात की जाए तो इसके लिए आपको सैलरी मिलती है 50,000 शुरुआत में, 1 लाख तक आप कमा सकते हैं, और आपके पोस्ट पर निर्भर करता है आपकी सैलरी भी, प्रमोशंस भी मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, और सरकारी सुविधा भी कैंडिडेट्स को मिलती ही है, फैमिली को भी काफ़ी ज़्यादा सुविधाएं मिलती हैं, समय समय पर सरकार जॉब की सैलरी भी बढ़ाती ही रहती है, और आपको लाइफ टाइम अगर देखा जाए तो इसके लिए सैलरी मिलती है क्योंकि आप रिटायरमेंट के बावजूद पेंशन उठाते हैं। पब्लिक सेक्टर, अब तीसरे नंबर पर आता है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, PSU कह सकते हैं इसको, यानी कि दो, अगर आपने सुना हो कि प्राइवेट सेक्टर आपको पसंद नहीं है तो PSU आपके लिए बहुत बेहतर ऑप्शन है। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में सरकार की बड़ी बड़ी कंपनी है जैसे कि BHEL, भेल, ONGC यानी कि ONGC, IOC होते हैं, इसके अंदर आप काम कर सकते हैं। इसके लिए आपको गेट की परीक्षा देनी होती है, और आपको अच्छी बात यह है आपके लिए कि इन कंपनियों में शिफ्टिंग चलता रहता है, यानी कि कंपनियां शिफ्ट होती रहती है, आपको अलग से शिफ्ट अमाउंट भी मिलता रहता है, और इसलिए
इसमें आपको 40,000 से 1.5 लाख तक की सैलरी मिलती है, प्रमोशंस होते रहते हैं और खाने पीने के लिए कैंटीन में सब्सिडी, लैपटॉप, फर्नीचर, पेट्रोल अमाउंट, ये सारी चीज़ें सरकार की तरफ से आपको मिलती है इस शॉप में। चौथे नंबर पर है यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। आप अगर पढ़ाई की दुनिया में बहुत ज़्यादा बेहतर हैं और आपको सरकारी जॉब की इच्छा है और आप किसी और फील्ड में नहीं, तो आप अपने ही पढ़ाई के फील्ड में, एजुकेशन फील्ड में भी जा सकते हैं। प्रोफेसर की जॉब में गवर्नमेंट सेक्टर में आप देखेंगे कि सम्मान बहुत मिलता है और अलग अलग डिपार्टमेंट की अलग अलग सैलरी भी होती है। 40,000 से 1 लाख तक की तनख्वाह इसके लिए तय की गई है। कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में अगर आपने एक PhD किया है तो आपके लिए बेहतर है। स्केल ऑफ पे भी आपको प्रोफेसर अलग चुना जा सकता है और NIT या फिर IIT की प्रोफेसर है तो आपकी शानदार सैलरी होगी, इसमें कोई शक नहीं है। मेडिकल और रहने के लिए घर की सुविधा, ये सारी चीज़ें भी आपको गवर्नमेंट के अंदर से ही मिलती है। बैंकिंग, पांचवें नंबर पर बैंकिंग की हम बात करेंगे। बैंकिंग जॉब में RBI गवर्नर, प्रोविशनरी ऑफिसर, इन सब के नाम याद आते हैं और आपको बता दें इसमें आपको तय है कि आपको तमाम डिपार्टमेंट्स हैं इसमें संभालने के लिए। प्रमोशंस बहुत आसानी से मिलता है, एग्जाम्स क्लियर करने होते हैं और महीना शुल्क अगर बात की जाए तो यहाँ पर महीना शुल्क छोड़िए, आपको एक साल के शुल्क से आपको पता चल जाएगा कि कितनी हाई सैलरी होती है। 18 लाख तक की सैलरी होती है एक साल की। और बैंक में अपने कर्मचारियों को रहने के लिए बैंक की तरफ से घर मिलते हैं, 2 साल में बाहर घूमने के लिए आप देखेंगे कि 1 लाख रुपए बच्चों की पढ़ाई के खर्चे और बहुत कुछ भी मिलते हैं। और सबसे अच्छी बात ये भी है कि लोन भी आसानी से मिल जाता है, तो कौन नहीं चाहेगा बैंक की नौकरी करना। अगर साइंटिस्ट की बात की जाए तो छठे नंबर पर साइंटिस्ट आते हैं। सरकारी संस्थान जैसे कि इसरो, DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में इंजीनियर या साइंटिस्ट अगर आप हैं तो आपके भाग्य खुल गए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। काम करने में आपको रिसर्च में अगर आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है तो आपके लिए बेसिक सैलरी 40,000 से 60,000 तक होगी और पोस्ट के साथ ये सैलरी बढ़ती भी रहेगी। हर महीने में 7,000 से 10,000 रुपये पर महीने ट्रांसपोर्ट चार्ज, कैंटीन में खाना पीना, रहने के लिए घर, 6 महीने में बोनस प्लस, ये सारी सुविधाएँ साइंटिस्ट को मिलती है गवर्नमेंट जॉब के अंडर आप आते हैं तो। सातवें नंबर पर बात करेंगे हम, सातवें नंबर पर असिस्टेंट इन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ये आते हैं। यानी कि इन नौकरी में सम्मान तो बहुत ज़्यादा है, पैसे भी बहुत ज़्यादा है और हर कोई सपना देखता है इस जॉब के लिए। और देश में अगर पोस्टिंग बाहर के देशों में होती है तो शानदार इसकी सैलरी है, 1.5 से 2 लाख रुपये कमा सकते हैं आप इस जॉब के अंदर और इस डिपार्टमेंट के अंदर। गवर्नमेंट जॉब्स में आपको बताना चाहेंगे लगभग 2 लाख से 5 लाख रुपए देश में, आप कौन से देश में हैं इसके अकॉर्डिंग डिपेंड करता है आप कमा सकते हैं। और परीक्षा लेकिन इसकी बहुत कठिन होती है, ये आपको जाननी पड़ेगी। SSC CGL की परीक्षा को पहले पास करना पड़ता है इसके लिए। आठवें नंबर पर सरकारी डॉक्टर हैं, तो आप जान सकते हैं सरकारी डॉक्टर्स की जॉब शानदार होती है क्योंकि जॉब की सैलरी भी बढ़ती रहती है MBBS की पढ़ाई के बाद। आपको जो भी जॉब डॉक्टर्स में डॉक्टर्स के तौर पर मिलती है हॉस्पिटल में, आपकी डिपेंड करती है कि हॉस्पिटल आपने कौन से चुना है। और 25% से 50% ज़्यादा वेतन उन डॉक्टर्स को मिलते हैं जो गांव में जाकर मरीजों की सेवा करते हैं। जी हाँ, ये आपने शायद पहले सुना हो या ना भी सुना हो, लेकिन ये सच है। डिपेंड करता है कि आप कौन से डिपार्टमेंट में डॉक्टरी कर रहे हैं। वहीं एक सर्जन को भारत के में एक महीने में लगभग 1 लाख से 2 लाख की सैलरी मिलती है, तो वहीं आप समझ सकते हैं जूनियर डॉक्टर्स को भी लगभग 40,000 से 50,000 रुपये तनख्वाह मिलती ही है और ये स्टार्टिंग है। वहीं इनकम टैक्स ऑफिसर, ये हम नहीं बोल सकते हैं, 9वें नंबर पर इनकम टैक्स ऑफिसर की हम बात करेंगे। आयकर विभाग में नौकरी के लिए हर कोई कोशिश करता है, ये बात तो आप भी जानते हैं, क्योंकि यहाँ ना सिर्फ पैसे हैं, सम्मान भी बहुत ज़बरदस्त है। और इनकम टैक्स ऑफिसर से अगर देखा जाए तो कमिश्नर तक आप बन सकते हैं इस फील्ड में जाने के बाद। आसानी से 60,000 से लेकर आप कमा सकते हैं आराम से लगभग 1 लाख रुपए तक, बहुत शानदार तरीके से। सरकारी गाड़ी मिलेगी आपको, 30 लीटर पेट्रोल मिलेगा आपको, सिम कार्ड मिलेगा आपको, ये सब तो मिलेंगे ही साथ साथ में।
SSC CGL की परीक्षा पास करके आप इस जॉब में गए हैं तो वाकई में शानदार आपकी जॉब होगी। UPSC की परीक्षा पास करने के बाद आप सीधा असिस्टेंट कमिश्नर की कुर्सी पर अपनी जगह तब्दील कर सकते हैं आराम से। 10वें नंबर पर बात करेंगे हम रेलवे इंजीनियर के बारे में। जी हाँ, रेलवे इंजीनियर्स, सरकारी जॉब में रेलवे इंजीनियर का भी एक अलग अवधा है। रेलवे इंजीनियर की नौकरी अच्छी होती है और काम भी काफ़ी मान सम्मान के साथ आपको मिलता है। आपको शायद ये जानकर हैरानी भी हो, लेकिन सरकारी इंजीनियर से ज़्यादा रेलवे इंजीनियर को पैसे मिलते हैं। 60,000 से 80,000 तक की वेतन इस जॉब में आपको मिलता है और घर, ट्रैवल अलाउंस, अलग अलग इंसेंटिव और सरकारों द्वारा मिलती है इसमें। और ये भी सच है कि नौकरी इंडियन गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अगर आप कर रहे हैं रेलवे इंजीनियर में, तो आपको आराम भी है ज़्यादा समय तक। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम से तृप्ति की रिपोर्ट।